भारतीय नस्ल के गोवंश के संरक्षण की वकालत आज वैश्विक मंच पर होना, और जब मानवता विभिन्न प्रकार की बीमारियों से ग्रसित है, इसमें बहुत सारी बीमारियां तो ऐसी हैं जो स्वयं मनुष्य ने अपने भौतिकता में अति भौतिकता के पीछे पड़कर के स्वयं अर्जित की है, उनसे मुक्ति का कोई राह दिखा सकता है तो भारतीय नस्ल का गोवंश प्राकृतिक खेती के माध्यम से उस राह को दिखाने का एक सशक्त माध्यम बन सकता है, और इस पर आज विचार किए जाने की आवश्यकता, इस पर कार्य किए जाने की आवश्यकता है, इस दिशा में एक नए मंथन को आगे बढ़ाने की आवश्यकता है। गाय भी बचेगी और मानवता उन तमाम प्रकार की बीमारियों से बचेगी जो आज देख रहे थे। मैं आज सुबह जनता दर्शन के कार्यक्रम में गया था, लगभग 300 से ज्यादा लोग जनता दर्शन में आए हुए थे, और मुझे ज्यादातर मामले किस प्रकार के देखने को मिले, कैंसर के पेशेंट आए थे, किडनी खराब होने के वाले पेशेंट आए थे, किसी का लीवर खराब हो गया है, कोई हार्ट की बीमारी से परेशान है, गलती उनकी नहीं। जो कुछ हम खा रहे हैं, ये फर्टिलाइजर, ये केमिकल, ये पेस्टिसाइड, ये कहीं ना कहीं जिसका इस्तेमाल खेती बाड़ी के लिए किया जा, खेती के लिए किया जा रहा है, ये डायरेक्ट नहीं, इनडायरेक्ट तो हमारे अंदर ही भोज्य पदार्थों के रूप में जा रहा है, और फिर एक समय वही बीमारी बनकर के इतना विभत्स रूप लेता है। स्वच्छता अभियान भारत का इतना अच्छा अभियान बना, इसने न जाने कितने लोगों के जीवन को बचाने का काम किया। हमें हरेक उस अभियान की कीमत को समझना भी पड़ेगा। आज से पहले 2017 के पहले इस सीजन में पूर्वी उत्तर प्रदेश में मस्तिष्क ज्वर से हजारों मौतें होती थी, आज बीमारी नियंत्रण में है। भारत दुनिया की एक बड़ी ताकत के रूप में उभर रहा है। प्रत्येक भारतवासी को भी इस पर गौरव की अनुभूति करनी चाहिए। आजादी का ये अमृत महोत्सव वर्ष भी है। हम सब ने 15 अगस्त 2022 को देश की आजादी के 75 वर्ष पूरे किए हैं। आजादी के अमृत महोत्सव वर्ष में इन 75 वर्षों की यात्रा को हम लोगों ने, बहुत सारे लोगों ने बहुत नजदीक से महसूस किया होगा। किसी ने 15 वर्ष, किसी ने 5 वर्ष, किसी ने 20 वर्ष, किसी ने 30 वर्ष, किसी ने 40, किसी ने 50 वर्ष की यात्रा को नजदीक से देखा होगा। भारत दुनिया की एक ताकत बन रहा है, लेकिन दुनिया की एक महाताकत के रूप में भारत को स्थापित करने के लिए अभी बहुत कुछ किए जाने की आवश्यकता है। इसके लिए किसी दूसरे पर जिम्मेदारी डाले बगैर प्रधानमंत्री मोदी जी ने 15 अगस्त 2022 को लाल किले की प्राचीर से देश को कुछ महत्वपूर्ण मंत्र दिए थे। पंच प्रण भी उसी का एक हिस्सा है। हर व्यक्ति को अपनी विरासत पर गौरव की अनुभूति करनी होगी। गुलामी के किसी भी उस अंश को जो हमारे मन में पराधीनता का भाव जागृत करता हो, उसको कतई हम स्वीकार न करें।